भी रहना होता है वो रहना। अच्छा आपके साथ एक लड़की थी जो प्रोग्रेस कर रही है इंडिया में, जी जी, उस वक्त तो वो थोड़ी छोटी थी, जाहिर आप भी छोटे थे, प्रतिभा या प्रतिभा प्रतिभा हाँ जी प्रतिभा उसका नाम है, प्रतिभा सिंह बघेल, तो बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। और सारे गामा में हम इकट्ठे थे, वो शंकर महादेवन साहब के घराने में थी, मैं प्रीतम जी के, लेकिन ऑफ द कैमरा, और वो हम सब इकट्ठे एक जगह पे खाना, बंगलोस बने होते थे उनके, इकट्ठे रहना, तो बहुत उनके साथ अच्छा। मुझे देख के लगता है कि उनका घराना भी कुछ रसिया, शाम चरसिया घराना सुनने को काफी मिला उनको उनको शाम चरसिया इतना पाकिस्तान में नहीं गाया जितना हिंदुस्तान में गाया। स्टाइल मैंने जब देखा, मामू के दिन बम्बे, मामू के दिन दिल्ली, मामू के दिन बम्बे, मामू के दिन दिल्ली, कलकत्ते, ये वो सिटीज हैं, कलकत्ता हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जो एक गढ़ है क्लासिक। दिल्ली घराना भी कलकत्ते से रिलेटेड है। खासब शराफत खासब सलामत अली खासब कहते हैं कलकत्ते का गाना हमें नहीं भूलता। कलकत्ता तो इसको आप कह सकते हैं कि गढ़ है, एक एक छाप लगती है। क्या बात, वाह। तो कहने से ये मुराद है आपकी बात का, मैं जवाब ये सबके उस्ताद सलामत अली खान बहुत ही आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। क्या बात, ये अभी ये प्रतिभा की मैंने चीजें सुनी है, सैया बिना कर सुना, क्या बात, ये गा रही है, लाख जतन कर हा रही है, गा रही है। और उस्ताद सलामत अली खान सब की बहुत सी चीजें ये लोग माशाल्लाह नई जो यंगर जनरेशन है वो गा रहे हैं। क्या बात, और इसलिए उसमें थोड़ा अंदाज वो आ रहा है चरसिया घराने का। आपका रहता है, मेरा हाजिर आता है, बातचीत रहती और वो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा मोहब्बत करने वाले। अच्छा अब ये बताइए कि आपका, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जितना आला मेयारी आपका काम है, आपका तो फर्स्ट वर्ड जो है वो, वैसे तो सारी दुनिया आपकी है, आप जहाँ भी गाएंगे मेयारी, इतना अच्छा आपका गाना है, ख़ासतौर पे इंडिया, अब तो वर्किंग रिलेशनशिप भी दोबारा, जी जी, जो है फॉरेन मिनिस्टर हमारे मिल रहे हैं, और आगे वहाँ से भी खत आया है, एक खत खान साहब ने भी पाया है, सजना जी के नाम से लिख दे, क्या हाल मेरे दिल का, तमाम लिख दे। हाँ हाँ, तो आपका तो फिर इंडिया में तो आपको लोग कहते हैं कि आपका घर आया जाया। सर बिल्कुल, इंडिया तो एक एक, एक जगह ऐसी है जहाँ बड़ी मोहब्बत मिलती है, हालांकि अब इतना अरसा हो गया इंडिया नहीं गया, लेकिन बहुत से फैंस हैं जो वहाँ से हमें हमारी चीज़ें शेयर करते हैं, हमसे बात करते हैं, प्यार करते हैं। मेरे दो तीन शागिर्द भी हैं वहाँ, खैर मैं इस काबिल तो नहीं शागिर्द बना हूँ, लेकिन वो उनकी मोहब्बत है, आप ही हैं माशाल्लाह, वो कहते हैं कि आप आएँ, हम आपके मुंतजर हैं, तो उनको यही मैं जवाब देता हूँ कि जैसे ही हमारे हालात अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप भी आएंगे, हम भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा खान साहब, मैंने ये देखा है कि सलामत खान साहब का गाना और बाकी शफकत साहब का गाना, शराफत साहब का गाना और रफाकत साहब का गाना, गुल्लू साहब का गाना, हुसैन बख्श साहब का, फिर गुलाम शबीर हैं उनके बेटे लाबो भाई, ये सारे जो हैं बड़ा, और आप इतनी अच्छी लय आप देखते हैं कि जो है वो अजीब उसका वो सिलसिला होता है, तो आप का इस वक्त फेवरेट तबला नमाज कौन है जिससे आप संगत रखते हैं और आपकी एक टीम है? जी इस टाइम जो क्लासिकल में जो बहुत अच्छा बजा रहे हैं वो तो दानी, काशिफ अली दानी जी, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बाकी उसके वो भी आज के नहीं है, बहुत 20 साल का मैंने देखने हो दानी, उन्होंने खान साहब ने जाग लाई, हाँ छोटा जा सी, मैंने आज भी याद एक मैदान से, तो बड़े बड़े तबली वहाँ थे, लेकिन खान साहब ने गाना था तो कोई आए ना, तो फिर खान साहब ने बुलाया दानी तुम आ जाओ, 12 साल का था, कवाई लगाई उसने, खान साहब के बाद से तुम तबली बन गए माशाल्लाह, सलामत अली खान साहब, तो इसलिए वो मुझे पसंद है दानी। वाह, अच्छा अब तो सितार तारी साहब के साथ संगत करने का इत्तेफाक हुआ? सर संगत का नहीं, एक दफ़ा अमेरिका में एक सिटिंग हुई थी, उनके शागिर्द ने मेरे साथ बजाया था वॉशिंगटन डीसी में, तो ये कि मैंने उनको गाना सुनाया, बड़ी उन्होंने दाद दी, बड़ा प्यार दी, लेकिन मेरी विश है कि कभी ज़रूर उनके साथ भी गाना हो। तारी खान साहब यहीं है आजकल, कोरोने से छुप के लाहौर ही अपनी तरफ से महफूज मुकाम पे बैठे हैं, और यहाँ ज्यादा लॉकडाउन लग गया। कल मैंने दलेर मेहदी को बताया, मैंने कहा भाई जान वो ऐसे ही नहीं लाहौर, कह रहे अपनी वालों महफूज मुकाम पे बैठे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जाकर जाकर हुसैन कहाँ प्लेस करते हैं, कैसे तबली? जाकर हुसैन तो यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, वाह बहुत बड़े तबली हैं उनको, उनको मैं ये कहूँगा बजाते तो हैं वो, आलिम भी हैं, अरे इल्म इतना रखते हैं, आलिम ऑनलाइन है, आलिम ऑनलाइन है बिल्कुल, ऐसे सही, और मेरी मुलाकात भी हुई, अरे जाकिर जी, अच्छा वो एसएफ सैन फ्रांसिस्को जैज सेंटर में, वो एज अ माशाल्लाह एज अ टीचर वहाँ
प्रोफेसर वहाँ टीच भी करते हैं, तो मैंने जब बताया कि मेरी आंटी वहाँ रहती हैं सैन फ्रांसिस्को में, रिफत आंटी, तो उन्होंने कॉल किया कि शराफत भाई का बेटा है और मिलना चाहता, तो उन्होंने कहा कि बस कल आ जाओ, तो वहाँ बुलाया, फिर हमें खाना भी खिलाया और बड़ा प्यार किया जाकर जी। अरे क्या कहने, जाकिर साहब का शिव कुमार शर्मा के साथ केरवानी जुगलबंदी पड़ी हुई है, तो तैयारी दे सुनता हूँ मैं, रोता हूँ जैसे सलामत खान साहब की तैयारी, तैयारी पे वो रोना नहीं आता, अलाप पे आ जाता है, थोड़ा आगे गाना आबोग पे आ जाता है, लेकिन तैयारी पे किसी के वो तो क्या। और कोमल तीवर जो है, जैसे वो वीडियो जिसमें वो सोनू निगम है, वो गाना सुन रहे हैं और हलाल हो गए हैं, सिपा हो रहे हैं, कह रहे हैं यार कि हर सुर का कोमल और तीवर सुर होता है, और जब सरगम में स्पीड में F-16 की रफ्तार होती है, सलामत खान साहब जाते हैं, तो फिर भी कोमल और तीवर नमाया रहे सुर, तो ये अता है, अजूबा ही है, ये तो ये अता ही है बिल्कुल। आप इसमें खान साहब भारत जो है ना यूट्यूब पे छोटा होता है जी, तो टाइम तो मेरा जो है ना पूरा हो गया, मैं कह रहा आखिरी चीज कोई ऐसी धमाकेदार जी जी, ताकि मीर टाकी जो है ना CNN बन जाए प्लीज। गजल सुना, बड़ी अच्छी मैंने गजल याद आ गई, लोग कहते हैं जिन्हें भी तुम हो हरी रंगी, या तो उसी को क्लासिकल कहते हो, मैं क्लासिकल कहना तान बात ठीक है, दूजे गाने तो एकदम देख जाओ फिर का मैंने कहा आपकी जरा जबताल लगाना, दो मिनट जबताल, राग हेमंत कल्याण आपके सामने क्या गाना, आफताब इकबाल का ये फेवरेट राग है, लेकिन उनको पता नहीं ये I'm not afraid.
हरी भनैया घरबार हजरत साची से करे नैया घरबार हम सब के बोलता शेरों के सामने डाल देते थे, तो ये शेरों वाला गाना है और ये वो गाना है जिसकी प्राइस जो है लाहौर में 1 करोड़ 1 शो की होनी चाहिए। पता नहीं कौन 50 लाख ले रहे ने, सारे गलत जा रहे हैं बाहर। चले इस बहस में नहीं पड़ते, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा घराने का इतना बड़ा आर्टिस्ट और मेरे दोस्त भी उतने ही बड़े आर्टिस्ट, ये इन्होंने मीर टाकीज को इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।